मंदिर निर्माण की गूंज के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में प्रचार की कमान संभाल ली है। भगवा वस्त्र धारण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य की उन सीटों पर प्रमुखता से जनसभाएं कर रहे हैं जहां कांग्रेस के टिकट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे और अली व बजरंगबली से लेकर बिरयानी और हिंदू मुसलमान को अपने भाषण का हिस्सा बनाया। प्रदेश के दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने सीकर के फतेहपुर में पहली सभा को संबोधित किया। योगी की रैली में जहां जय श्री राम और अब ना करो मंदिर में देरी के नारों की गूंज सुनाई देती रही। योगी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस को अली मुबारक हो, हमें बजरंग बली चाहिए। आपको बता दें, चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में योगी आदित्यनाथ ने जिस फतेहपुर सीट पर प्रचार किया वहां से कांग्रेस की टिकट पर हाकम खान चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भवरू खान इस सीट से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते रहे और जीतते भी रहे। इस सीट के इतिहास पर गौर करें तो यहां से पहली बार मुस्लिम उम्मीदवार ही चुने गए थे जब कांग्रेस की टिकट पर अब्दुल गफ्फार खान ने बाजी मारी थी। 2013 में बीजेपी की लहर होने के बावजूद यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नंदकिशोर महरिया ने जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्होंने बीजेपी से बागी होकर ये चुनाव लड़ा था। अब देखना होगा मुस्लिम बहुल इलाके में क्या योगी आदित्यनाथ अपनी छाप छोड़ पाएंगे और वहां से कितनी वोट निकालने में सक्षम होंगे। आप भी राजस्थान चुनाव पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा।